कुछ भी बोल लो, तुम आ जाना जाना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। कौन सा गांव है राहुल, बताओ कौन सा गांव है? हजारा टोंगिया। हजारा टोंगिया, आज हम हजारा टोंगिया में आए हैं और ये हमारे साथ हमारे सब दोस्त हैं। आपका नाम क्या है? शुभम। ये भाई शुभम है और ये भाई अनिकेत है और हम हजारा टोंगिया में आए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप किस किस तरह के घर हैं, ये देखिए। और इधर ये सब कच्चे ही हैं और यहाँ पर जो खेत हैं इनमें भी पानी बारिश से ही आता है, नहीं तो कोई पानी आने का यहाँ साधन नहीं है। और ये सिर्फ एक ही नल है यहाँ पर सरकारी, आप देख सकते हैं। ये सब कच्चे घर हैं यहाँ और तो गाइस देख सकते हैं ये कैसे घर हैं यहाँ पर। और ये बच्चा झाड़ू लगा रहा है, देखिए बिल्कुल कच्चे हैं सारी जगह। मैं आपको इसलिए दिखाने के लिए आया क्योंकि हम तो शहर में रहते हैं, हमें तो सब पक्के पक्के दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देते हैं। और यहाँ पर आज मैं आपको इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बैकवर्ड एरिया है हजारा टोना गाँव में। ये इधर पड़ता है देहरादून साइड, ये देखिए। ये इन्होंने फसल बोई होगी, बारिश ना होने के कारण खेत खाली हैं और ये इनकी इस समय रोने की अवस्था आई हुई है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। इस समय बारिश नहीं होती है तो इनकी फसल भी नहीं हो रही है और नहीं होगी। आगे भी खेत हैं इनके, आप दे सकते हैं आप बहुत सारे। और इन्हें पानी देने का कोई साधन नहीं है, कोई भी साधन इन्हें पानी देने का नहीं है। इधर भी खेत है, इधर भी सारे घर ऐसे ही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। कोई भी साधन पानी देने का नहीं है दोस्तों। और देखिए मेरे पीछे आप, ये कच्चे घर हैं शायद से, मेरे ख्याल से आपने कुछ लोगों ने ये पहली बार देखे हो या देखें तो देख सकते हैं। और ये लोग हैं, अब हम जंगल में जाएंगे अंदर और जंगल में देखेंगे जा कर के कि पहली बार जा रहा हूँ मैं भी इनके साथ में। क्या नाम है आपका अंकल? सेमपाल है। सेमपाल, 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 सेमपाल। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? अब तो मुद्दत गुजर गई, हमारा जन्म यहीं पे है। जन्म फिर भी कौन से सन की, मतलब कौन से सन से? कम से कम उम्र तुम्हारी 40 से। सन ऐसे है, ये सन 32 से। सन 1932 लोग, इनकी उम्र कितनी होगी? सन 40-42 के आसपास। आपकी उम्र 40-42 के आसपास? ज्यादा लग रही। 45 हो गई होगी सब तो। चलो होगी। और आपकी? एक्चुअली एटमॉस्फेयर की वजह से थोड़ा सा अब मेहनत नहीं करेंगे जब व्यक्ति, तो बुढ़ापा दिखाई देता है। बुढ़ापा दिखाई देता है फिर। तो भी जावत है पूरा आप यहां। हम जा रहे हैं राजा जी मोहंड नेशनल पार्क, हरिद्वार। हरिद्वार से भी अपना मोहंड से इधर हरिद्वार है और ये सारे के सारे हमारे साथ में चल रहे हैं। अब हम जंगल के लिए निकल लिए उधर, मेरे साथ में भैया भी आ रहे हैं। तो भाई विशाल बता रहे हैं कि रास्ते बहुत सारे हैं, देख के चलना। यहाँ पर रास्ते बहुत सारे हैं, एक जैसे रास्ते आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आगे पंडित जी चल रहे हैं, वो हमें गाइड दे रहे हैं ऐसे चलना है, वो गाइडेंस दे रहे हैं हमें। और ये बीच में आप जो देख रहे हैं थके थके, ये अनिकेत बाबू हैं और वो जो उनके बीच में चल रहे हैं अभिषेक बाबू हैं। हेलो, ये हमें देखने का। अरे मैं तो यहाँ आ गया, आज हम पहली बार जा रहे हैं। खतरा तो नहीं है कोई? नहीं, कहीं जानवर हो कोई? शेर? शेर नहीं है? अच्छा, तो गाइस यहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी है और देखिए हमें चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मिट्टी है ये, बिल्कुल बिल्कुल मिट्टी है, मिट्टी से ही आए हैं ये खेत में को हमें जाना पड़ रहा है और आगे भी मिट्टी है।
ये देखिए चले जाते होंगे अंदर तक, ये बहुत दूर तक चले जाते हैं, मतलब ऊपर तक पहाड़ तक 10 किलोमीटर दूर है। अच्छा ये पहाड़ कौन सी जगह में? पार्क में है, राजा जी पार्क में। अच्छा तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ है ये राजा जी पार्क में ही है, और हमें वापस आने में पता नहीं कितना समय लगेगा, पर हम बहुत एंजॉय करने जा रहे हैं आज। ठीक है तो गाइस मिलते हैं, छोटा सा रास्ता है आप देख सकते हैं, ये बहुत ही छोटा है, ये देखिए देखिए बहुत ही छोटा है, और लोग भी जा रहे हैं, और मैं भी आपको दिखाऊंगा बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर, मौसम कैसा होगा, क्या क्या चीज़ हम देखेंगे, ये सब आपको मैं दिखाऊंगा। ओके नदी है ना, ये नदी है, और उधर से भी जंगल जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, दोनों तरफ से जा सकते हैं। वो लोग लकड़ी लेके आ रहे हैं गांव से, वो जंगल से, उसी गांव में जिस गांव से अभी हम आए हैं। कौन सा गांव था ये? चौमीन की बात भी लड़ाई कर रहे हैं। हाँ 1000 रुपए दिलाओ जरा, इन्हें 1000 रुपए दिलाओ, ये अपनी बात में मगन है और हम अपनी बात में मगन है। थक गए क्या आप? इस तरह ही चलो, आ जाओ जल्दी आ जाओ, पेट में इसमें पैर में दुखने, या बैठ जाओ आप, बैठ जाओ यहीं, बैठ जाओ कहीं। तो गाइस हम जंगल के अंदर एंटर हो चुके हैं, अब देखिए इस जंगल में आना मना है ना वैसे, इस जंगल में आना मना है, पर हम फिर भी आ गए हैं, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ नेटवर्क आ रहे हैं, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि लोकेशन का किधर क्या है, किधर क्या है, है ना? यस यस, इधर से ये अभी हम रास्ता खोज ही रहे हैं गाइस, एक गाइड ने हमें धोखा दे दिया, वो पीछे हो चुका है पहले वाले गाइड से, और ये वाला गाइड बहुत अच्छा है, इसने मैं एकदम बहुत ये वाला गाइड बहुत अच्छा है, ये देखो ये जा रहा है अनिकेत भाई, अनिकेत गाइड, कहाँ से ट्रेनिंग ली भाई अनिकेत? पहले एक बार यही आया था और यही फंस गया था मैं। वाओ तो गाइस हमें बहुत ज्यादा घने जंगल में है फिलहाल, आप देख सकते हैं, और ये देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा चारों तरफ घना ही जंगल है, बिल्कुल भी मेरी टीम ही जा रही है आगे। आपको न्यूज़ वायरल करेंगे करी, ये बाबूजी बता रहे हैं, ये बाबूजी बता रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसा आती है, एक ऐसा आती है जो खूनी है, जो इंसानों के पीछे भागता है, और ये लकड़ी इकट्ठी करने के लिए आए थे यहाँ पे, हमें मना कर रहे हैं अंदर जाने के लिए क्योंकि वो हाथी बहुत ज्यादा खतरनाक है, और फिर भी मेरी टीम आगे जा रही है, और देख सकते हैं, बताओ अब बताओ कौन सा हाथी है आपको? बताओ जल्दी क्या नाम है आपका, हाथी का कौन सा है नाम, क्या आपका? मेरा नाम बल्ली है, बल्ली नाम है इनका, और अच्छा वो हाथी का क्या नाम बताया था आपने? खूनी हाथी, खूनी खूनी हाथी है, और ये कैसे जानवर होंगे सर? इनमें सेंड भी है, गुजार भी है, और क्या क्या है, और सांबर भी है, सुअर भी है, सुअर जंगली, जंगली सुअर, मुर्गे भी है, जंगली कुत्ते, कुत्ते नहीं है, अच्छा कुत्ते नहीं है ना, भेड़ी है, भेड़ी भी यहाँ है, भेड़ी भी यहाँ आती है, मगरमच्छ कुछ नहीं है मगरमच्छ तो वो गिल्ले एरिया में रहे ना,
पर यहाँ खतरनाक जानवर है सारे। शेर देखा है आपने? शेर देखा है। कैसा होता है? लाल होता है और उसके ऊपर होती है धारी होती है। कितनी दूर से देखा है? पास में देखा है। भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक है। आपको कितने समय हो गए जंगल में आते हुए? काफी समय हो गया। कितने साल? काफी हो गया। और आप देख सकते हैं इनका एक नया जुगाड़। इन्होंने ये सर में जो ताज बनाया, ये ताज बनाया लकड़ी से। ये होती है, ये देखिए रस्सी इनकी, आप देख सकते हैं लकड़ी से। जंगल में आने वाले व्यक्ति को देखो, हर चीजों से जो भी होता है उसको मिल जाता है, रूबरू होना पड़ता है हर चीजों से, वाकिफ भी होते हैं। और ये, और इन्होंने लकड़ी इकट्ठी की हुई है, इनसे खाना बनाते हैं और अपने रोज का जीवन यापन करते हैं। और ये बलकटी आप देख सकते हैं, दिखाओ इनका हथियार, दिखाओ हथियार। ये रखा है, ये इनका जीवन है यहाँ पर। इससे लकड़ी काटी है, दिखा रहे हैं खूनी बता रहे हैं। वो खूनी हाथी आग गया ना, तो इनके पास तो हथियार है। ये ऊपर ही पहुंचेगा, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ इधर आ जाओ। चंगू मंगू। अच्छा, तो जैसे मतलब हाथी पीछे भागा कभी आपके? हाथी हमारे पीछे भागा कई बार, भागा पर कैसे बचते हैं? दाएं बाएं भागते हैं। अच्छा, और मतलब अभी यहाँ भी, यहाँ पे जानवर किधर होंगे? जानवर अभी पास में होंगे। हाथी से जैसे आप बता रहे, कितने दूर हो सकते हैं? शेर तो ऊपर होगा, वो हाथी नीचे होगा, पास में ऊपर। तो लगता है कि हमें चलना चाहिए क्योंकि हाथी पास में ही है। हाथी पास में है, हमें चलना चाहिए। और हाँ, जैसे कि टाइम जो हो रहा है वो चार बजने वाले हैं। और अभी शाम का ढलने का टाइम है, धूप ढलती जा रही है, आप दिखा सकते हैं, देखिए धूप, दिन ढलता जा रहा है, ढलती जा रही है, तो इसका मतलब जानवर ठंडे इलाके की ओर आते जाएंगे। उठाओ, हेल्प करा दो। वेरी गुड। फंस गया। वो आराम से निकालो, पंडित छुड़ा दे। चलो शाबाश, ले जाओगे? हाँ ले जाएंगे। ओके, तो किधर से जाओगे तुम? इसी रास्ते से। चलो आपके पीछे पीछे हम भी चल ले। वो लग गया, आवाज लगा लो। चलो अच्छा, बाय, गुड नाइट।